हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदास मार्केट ऑफ स्टॉक में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड स्टेट शेयर। दोस्तों, ये एक पैनी शेयर है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर दे चुका है। क्या अभी हम इसमें बाय कर सकते हैं सर? तो दोस्तों, मैं आपको देख कर बताऊँगा दोस्तों कि इसमें क्या कंडीशन है और आपको बाय करना है कि नहीं करना है या किस लेवल पर बाय कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैनी शेयर में जो लोग फंसे होते हैं या फिर शेयर में कैसे फंसना नहीं है या फिर शेयर को बाय कब करना है, ठीक है, बाय करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं अपने स्टॉक में अपने सॉरी वीडियोस में फंडामेंटली एनालिसिस करके, ताकि आपका कैपिटल किसी भी स्टॉक में फंस ना पाए। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लॉयड स्टील इंडस्ट्री इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। तो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है, 1273 करोड़ का 1273 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE बहुत कुछ खास नहीं है, कोई मतलब बहुत ही कम है। कंपनी हैज रिड्यूस डेट, चलो अच्छी बात है, कंपनी अपना लगभग कर्जा खत्म कर चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी की शेयर्स में क्या ग्रोथ है, 42 करोड़ से 19 करोड़ क्वार्टरली तो कोई ग्रोथ है नहीं। नेट प्रॉफिट में भी कोई खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ है। और ईयरली वाइज देखते हैं तो 36 करोड़, बीच में 116 510 करोड़ हुई थी, तो ग्रोथ तो खैर नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट कमा के दे रही है क्या? हाँ, नेट प्रॉफिट कंपनी कमा के दे रही है, मतलब प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ी ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट भी थोड़ा हो रहा है। रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 24 करोड़ का है, पहले माइनस में होगा था, अभी 24 करोड़ का हो गया है। बोरोंग कंपनी के पास बहुत ही कम है, लगभग डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। और यहाँ हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। दोस्तों, प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है, ठीक है, लेकिन FII और DA वाले माल बेचकर निकल रहे हैं और पब्लिक के पास माल भारी मात्रा में उठाया जा रहा है। 46% की अभी भी हिस्सेदारी है और बाकी प्रमोटर के पास है। सो अभी मैं आपको लिखता हूँ इसकी चार्ट के ऊपर, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें शेयर क्या करना है, खरीदना है कि नहीं खरीदना है, खरीदना तो कब खरीदना है। सो मैक्सिमम चार्ट अगर आप ओपन करके देखते हो तो यहाँ पर आपको देखेगा कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रखा है। कब आई थी कंपनी? 2016 में। बीच में भी कई बार ऐसे भागा है शेयर, अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है लेकिन गिरा भी है। यहाँ पर भी भागा था, फिर गिराया, यहाँ पर फिर भागा था, फिर गिराया, फिर भागा, फिर गिरा, फिर भागा, फिर गिरा। सो कंपनी छोटी है, अभी पैनी शेयर है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है स्टॉक ये रिस्की होते हैं, कभी भी अपना कैपिटल फंसाना नहीं है। लेकिन अभी जो लोग बाय करने की सोच रहे हैं वो इस जगह पर बाय कर सकते हैं। अभी ये शेयर जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है। देखो, पहले काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे चुका है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अपर सर्किट जब लगा हो कंपनी किसी शेयर में तो शेयर को आपको बाय नहीं करना है। अभी इस टाइम पर आप बाय कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर आप इस शेयर को यहाँ बाय करते तो ओवरबॉट जोन में होता, कंपनी पहले रिटर्न दे चुकी है और रेस्ट मोड में आ गया है शेयर, कंसोलिडेट फिगर में चल रहा है सैड पेज में, इसका मतलब अब शेयर नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। सो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, ओवरबॉट जोन में नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब शेयर नीचे नहीं जाएगा, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। जैसा कि कंपनी कर्जा भी खत्म कर चुकी है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है और शेयर्स भी कर रही कंपनी और प्रॉफिट भी है। बाकी दोस्तों, पैनी शेयर है, फंडामेंटली इनके कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं है, रिस्की शेयर होते हैं। पैसा लगाओ तो थोड़ा ही लगाना और जैसे ही प्रॉफिट हो जाए तो ज़्यादा लालच मत करना, निकल आना। सो जो लोग बाय कर सकते हैं, अभी बाय करने की सोच रहे हैं, वो इस जगह पर बाय कर सकते हैं, जब शेयर भागने लगे तब बाय मत करना, ठीक है, बाय करने का टाइम अभी है। सो बाकी आप अपने लेवल पर रिसर्च कर लीजिएगा, ब्रांड न्यू बिलीव किसी पर नहीं करना है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइबर का मुझे वेट रहेगा और आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।